में है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। कोरोना काल में इस यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए स्वेच्छा से कॉलेज जाने का क्राइटेरिया तय किया था। जिन छात्रों को सही लगा वो आए, जिनको सही नहीं लगा वो नहीं आए। अब अचानक इस यूनिवर्सिटी ने उन छात्रों से भारी भरकम फाइन की वसूली शुरू कर दी है जो नहीं आए थे, यानी कि एब्सेंट थे। अब छात्र परेशान है और शिकायत लेकर डीसी के पास पहुंचे कि जब खुद ही यह नियम तय हुआ था कि चाहे तो आए चाहे तो ना आए, तो नहीं आने पर आखिर फाइन क्यों वसूला जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जानते हैं ये रोती गिड़गिड़ाती किशोरी क्या मिन्नत कर रही है। ये कह रही है, मैम प्लीज मुझे एग्जाम से डिबार मत कीजिए, प्लीज मुझे परीक्षा देने दीजिए, मैं इतना फाइन देने में सक्षम नहीं हूँ। कि कॉलेज नहीं आना, फिर भी हमारा कॉलेज खोल के रखा था और उन्होंने, और अब अगर एडमिशन का मतलब कि एब्सेंस का वो लोग हमसे फाइन चार्ज कर रहे, 10,000, 15,000, 20,000 तक भी चार्ज कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। प्रदर्शन करती है छात्र जमशेदपुर के नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के। अटेंडेंस नहीं पूरी होने के कारण छात्रों से भारी भरकम फाइन वसूला जा रहा है। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में जब सारे स्कूल और कॉलेज बंद था तब नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी खुला हुआ था। हालांकि उस समय बच्चों को स्वेच्छा से ही कॉलेज जाने को कहा गया था, लेकिन आज जब कॉलेज में इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो अटेंडेंस कम होने के नाम पर इनसे मोटी रकम वसूली जा रही है, जिसकी वजह से सारे छात्र आज अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे। हमें जब अगस्त और सितंबर के टाइम कॉलेज बुलाया गया था, उस वक्त गवर्नमेंट ने किसी तरह का अलाउंस नहीं दिया था कॉलेज खोलने का। उसके अलावा कॉलेज हमें क्या बोलती है कि आप यूनिफॉर्म में नहीं आएंगे कॉलेज, क्यों? शायद कॉलेज को इस बात को छुपाना है या दबाना है इसीलिए। और क्लास में सर लोग आके ये भी बोले थे, अगर आपको माइल्ड फीवर है, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे तो कॉलेज मत आइए, अटेंडेंस जरूरी नहीं है, आपका हेल्थ जरूरी है। जा रहा है कि जब तक आप फाइन नहीं भरिएगा तब तक आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। और मांग यही है कि हमारे कॉलेज से मांग यही है कि हमें हमारी फाइन को माफ कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में कोई उपस्थिति के लिए फाइन नहीं ले सकता, क्योंकि सरकार का ये गाइडलाइन ही था कि उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगी। अच्छा ये बताओ कि तुमसे जो फाइन लिया जाता है उसका रिसीप्ट दिया जा रहा है? सर हमारा कोई रिसीप्ट नहीं दिया जा रहा है। अगर रिसीप्ट भी दिया जा रहा है तो पेरेंट्स को हम बता भी नहीं सकते कि किस चीज का फाइन लिया जा रहा है। शिक्षा का ऐसा व्यवसायीकरण गलत है। छात्रों को खून के आंसू रुलाना गलत है। बात जब स्वेच्छा से आने की थी तो फिर अटेंडेंस का पैरामीटर अचानक से लाना भी गलत है, और ये पैरामीटर आखिर अचानक से आया कहां से, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष का। पीयूष हमारे साथ जमशेदपुर से सीधा जुड़े। पीयूष, सबसे पहले तो एक लेमैन होने के नाते मैं जानना चाहूंगा, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी क्या है और किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, पहले तो ये जानेंगे, और बाकी जो चीजें वो तो हमने रिपोर्ट के जरिए देखी और इस पर और भी चर्चा करेंगे। पंकज, हमारे साथ एक छात्र मौजूद है, इनसे भी जो है 8,000 रुपया की वसूली की यानी इनसे 8,000 रुपया मांगा गया है। क्यों? क्योंकि ये कुछ दिन के लिए एब्सेंट थे। अच्छा एक चीज बताइए, यानी एक दिन के लिए कितना आपसे फाइन मांगा गया, और यानी कितना पूरा आपसे कितना फाइन मांगा गया और क्यों मांगा गया? 8,000 फाइन मांगा गया क्योंकि अटेंडेंस कम था मेरा, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और मेरी सिस्टर का थोड़ा सा हाथ में कुछ फ्रैक्चर, इसको लेकर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इस कारण कॉलेज अटेंड करने नहीं पाते हैं। अच्छा कितना फाइन मांगा गया आपसे? मेरे से 8,000 रुपये मांगा गया। कितना दिन आपने एब्सेंट, आप कितना दिन रहे? 32% मेरा अटेंडेंस है, लेकिन है मेरा 55%।
कितने तारीख से कितने तारीख तक आपका एब्सेंट रहा और कितना सब कुछ गैप रहा है? नवंबर से दिसंबर तक। कितना फाइन? फिर हम फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कितना फाइन पर डे, कितना फाइन मांगता है आपसे? पर डे 500। यानी आप पंकज समझ सकते हैं कि 500 रुपया जो है इनसे जो है यानी एक दिन का फाइन मांगा जा रहा है। और ऐसे एक छात्र नहीं है, ऐसे कई सारे छात्र जो हैं उनसे भी 500 रुपया फाइन मांगा जा रहा है हर दिन। और वो जो है आज विरोध के लिए पहुंचे थे डीसी ऑफिस के पास और उन्होंने विरोध भी किया और उनका साफ तौर पे कहना है आखिरकार हम फाइन क्यों दे, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन थी। कोरोना काल जैसे बीता, कोरोना काल में तो कॉलेज और सब कुछ बंद था, उसके बाद जो है एक महीने के लिए जो कॉलेज खुला था उसमें भी सरकार के द्वारा कहा गया था कि एक महीने के लिए जो पेरेंट्स अलाउ करे तब वो छात्र जो है कॉलेज जा सकते हैं। उसमें भी इन लोगों से लगातार फाइन मांगी जा रही है और अब जो लोग हैं ये जो छात्र हैं वो अब विरोध में है, विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि हम फाइन नहीं भरेंगे। क्या आप फाइन भरना चाह रहे हैं? जी नहीं। क्यों? आखिरकार क्यों? क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, बस पैसे नहीं है देने के लिए। आपके जैसे कितने छात्र हैं जो फाइन नहीं भरना चाह रहे हैं? मेरे जैसे बहुत ही छात्र हैं, बहुत छात्र हैं। क्या बोल रहे हैं वो लोग? क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये इलीगल है। कैसे इनलीगल हुआ? इलीगल इसलिए क्योंकि ना तो व्हाट्सएप में ऑफिशियल ग्रुप में कुछ मैसेज आया, ना तो मेरे को कोई रिसीप्ट मिल रहा है और कुछ नहीं। कैसे यानी किस तरह से रिसीप्ट नहीं मिल रहा है और ऑफिशियल कैसे ये बोल रहे हैं कि उनको आपको नोटिस नहीं मिला? मेरे को नोटिस, हम किसी को नोटिस नहीं मिला ऑफिशियल ग्रुप में। व्हाट्सएप कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप होता है जिसमें कि मैसेज आता है आपको उतना ही फीस देना होगा, ना तो कुछ नोटिस आया हम लोगों को, ना तो कुछ फीस के बारे में बताया था। ठीक है, आपने कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है कि उनका क्या कहना है, किस तरह से वो फाइन ले रहे हैं, या किन्हीं यानी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या कोई लोग से आपसे बात हुई है? किसी से बात हो पाई है? जी क्या जी बात हो पाई है कि आपको फीस देना ही होगा चाहे कुछ भी कर लीजिए। हमने जो हमारे जो कॉलेज के चांसलर वो बोले कि कुछ भी कर लीजिए लेकिन आपको फीस देना ही होगा। कौन है चांसलर? एम एम सिंह। अच्छा, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि आपको चाहे कुछ भी कर लीजिए आपको फीस देना ही होगा फाइन आपको। अच्छा, आपके आमने सामने बात हुई थी कि आपने फोन किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ तो बात हुई? व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या बात हुई थी? व्हाट्सएप ग्रुप पे बात हुई थी कि वो कुछ मैसेज किया था, मैंने तो देखा नहीं था, मैसेज आया था व्हाट्सएप में बोल रहा हूँ। अच्छा, इनका कहना यह है जो एम एन सिंह है जो वहाँ के डायरेक्टर है, हाँ डायरेक्टर है, उनका जो है कहना साफ तौर पे है कि जो छात्र हैं उनको जो है फाइन देना ही होगा क्योंकि ये लोग एब्सेंट थे। जी बिल्कुल। प्लस एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि हम जैसे जानते हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी क्या, ये कोई कैंपस है या डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है और किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पर होती है, क्या है ये मतलब? जी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी जो है वो काफी सालों से जमशेदपुर में चल रही है, पोखरी में स्थित है और यहाँ पे जो छात्र हैं वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और बहुत सालों से यहाँ पे लगातार जो चल रही। हम इनसे ये भी जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कौन कौन सी पढ़ाई होती है? वहाँ सभी तरह की पढ़ाई होती है, बीबीए होती है, बीसीए होती है, डिप्लोमा होती है, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बहुत तरह की है। अच्छा, और आप किस क्लास के छात्र हैं या किस स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हैं? बीबीए। आप बीबीए के छात्र हैं। सर ये पंकज जी ये बोल रहे हैं ये अफिलिएटेड है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो क्या मतलब किसी तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था और रिसिप्ट भी नहीं मिल रहा और फिर भी वसूला जा रहा फाइन? देखिए, आपको नोटिस दिया गया था, कुछ भी ऐसा निर्देश या कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई निर्देश या कुछ? कुछ नहीं, ऑफिशियल ग्रुप में कुछ नहीं आया था। ऑफिशियल ग्रुप या पर्सनल भी या कहीं भी आपको कहीं कोई फैकल्टी आके बोले होंगे? कहीं नहीं, कुछ नहीं, ना क्लास में बोला गया ना कहीं किस। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक लेडीज को, एक जो छात्रा है ठीक है, उसको बकायदा यानी प्रताड़ित किया जा रहा है, बकायदा मांगा जा रहा है, उसमें रो भी दिया, क्या वो पूरा मामला क्या है? वो तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, लेकिन किस तरह से वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है? प्रताड़ित में तो आपको पैसे देना ही होगा चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपको पैसे देना ही है। यानी पैसा देने के लिए पूरा एकदम बोला जाता है? हाँ। ठीक है, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपने तक पहुंचाई है और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो खबर है इसको संज्ञान में लेना होगा, हर हाल में लेना होगा, क्योंकि आप ना तो पहले से कोई जानकारी देते हैं कि लेट फाइन लिया जाएगा, दूसरा कोरोना काल में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई हो रही थी और
बाकायदा कॉन्सेंट लेकर पढ़ाई होती थी, बावजूद इसके अब लेट फाइन लिया जा रहा है। लेट फाइन भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 500-500 रुपए लिया जा रहा है, किस वजह से, और रिसिप्ट भी नहीं दिया जा रहा है। यही तो सबसे बड़ा खेल यहां पर है। व्यवसायीकरण शिक्षा का अपनी जगह है, लेकिन अवैध तरीके से पैसा कमाना ये कहां से तक जायज है। एक छोटे से ब्रेक, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।